गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड ईयर की ड्राइंग एंड पेंटिंग की आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जोगी मारा की गुफा के परिचय के बारे में पढ़ा था, साथ ही जोगी मारा के कुछ भित्ति चित्र थे जिनके बारे में हमने अलग अलग विद्वानों के बारे में के अनुसार अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो उनका मत है और जो उन्होंने जोगी मारा की गुफा के चित्रों के बारे में अपने व्यूज़ दिए, जो उन्होंने उन चित्रों के बारे में ज्ञान दिया, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम जोगी मारा की गुफा की जो कला है, साथ ही वहाँ के जो भित्ति चित्र हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, जिनका हमने ज्ञान लिया था कि वहाँ किस प्रकार के भित्ति चित्र हैं, किस प्रकार से बनाए गए हैं, आज के वीडियो में हम उनकी तकनीक कि उनकी शैली किस प्रकार की थी, किस प्रकार से वे बनाए गए और साथ ही इन चित्रों की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जोगी मारा गुफा की जो शैली है या हम तकनीक कहें कि किस प्रकार की तकनीक का यहाँ पर प्रयोग हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जोगी मारा के जो चित्र हैं इनमें काला, सफ़ेद और लाल रंगों का प्रयोग अधिकता से किया गया। कहीं कहीं पर हमें पीले रंग का प्रयोग भी दिखाई देता है जो कि काफ़ी कम किया गया है। सफ़ेद खड़िया से बनाया गया, लाल हिरौंजी से बनाया गया और काला हर्रा फल से तैयार किया गया है। यहाँ के चित्र काफ़ी फुर्ती से बनाए गए या जल्दी से बनाए गए प्रतीत होते हैं, अर्थात इन चित्रों को यदि हम देखें ध्यान से तो उनकी आकृतियों को देखने से हमें ऐसा ज्ञान होता है कि ये चित्र काफ़ी शीघ्रता से बनाए गए थे, क्योंकि इनकी जो बनावट है उन बनावट में लगभग कहीं कहीं पर हमें कुछ अस्थिरता सी दिखाई देती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये चित्र काफ़ी जल्दी में बनाए गए होंगे। ये चित्र गुफा की खुरदरी धरातलों पर ही बनाए गए। साधारणतया ये चित्र एक बार हमें देखने से ऐसे प्रतीत होते हैं कि जैसे किसी अनाड़ी के हाथ से बनाए गए हों, यानी किसी कुशल चित्रकार के हाथों से ये नहीं बनाए गए। जबकि संभवतया जब इन्हें दोबारा सुधारने का प्रयास किया गया तब भी अकुशल हाथों से तैयार माना जाता है। ये चित्र अजंता के पूर्व रूप हैं जो बाद में आते आते अजंता के रूप में सुधर गए। इसके बाद आती है जोगी मारा चित्रों की विशेषताएं। यहाँ के चित्र बौने जैसी आकृतियों की बनावट के हैं, यानी ये चित्र आकार में साधारण मानव की जो आकृतियाँ हैं उनसे यदि हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी छोटी हैं, यानी बनावट ऐसी है जैसे किसी बौने की आकृतियाँ हैं। तथा शैली, यहाँ की शैली की बात यदि हम करें तो ये इन चित्रों की जो शैली है वह भरहुत शैली की मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती है, अर्थात भरहुत की जो स्थापत्य की जो शैली है वहाँ की शैली से यहाँ के चित्र, यहाँ की आकृतियाँ काफ़ी समानता रखते हैं। सांची की मूर्ति शैली का इन चित्रों पर बहुत अधिक प्रभाव दिखाई देता है। यदि हम सांची की मूर्तियों से इन आकृतियों का कंपैरिजन करें तो वहाँ की जो आकृतियाँ हैं
उन आकृतियों की तरह ही यहाँ की चित्रकला में आकृतियाँ हमें बनी हुई दिखाई देती हैं। यानी जैसी सांची की कला में आकृतियाँ हैं, वैसी ही उसी प्रकार की शैली हमें जोगी मारा की गुफाओं की जो शैली है या जो यहाँ की कला है उसमें हमें समानता दिखाई देती है। इन चित्रों को चूने से पुते हुए धरातल पर सर्वप्रथम बनाया गया। इन चित्रों में काला हर्रा फल से बने हुए वनस्पतिक रंग तथा लाल, पीला और सफ़ेद आदि खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। इन चित्रों की सीमाएं या आउटलाइंस लाल रंग से बनाई गई हैं, आंखें सफ़ेद और बाल काले रंग से बनाए गए हैं। चित्रों के विभाजन के लिए बनाए गए हाशिए में जो पीले रंग का प्रयोग किया गया है, इन चित्रों की जो रेखाएं हैं वे टूटी फूटी हैं और आकृतियां अस्पष्ट हैं। अर्थात यदि हम इन चित्रों की रेखाओं को यदि गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो इनकी जो रेखाएं हैं, जो सीमा रेखाएं हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी टूटी फूटी सी बनाई हुई हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के जो कलाकार थे या चित्रकार थे वे काफ़ी कुशल चित्रकार नहीं थे। बल्कि इस प्रकार का इन चित्रों को देख करके ऐसा लगता है कि शायद वे कम प्रशिक्षित चित्रकार थे या काफ़ी कुशल चित्रकार नहीं थे, और यहाँ की जो आकृतियाँ हैं वे भी काफ़ी अस्पष्ट हैं, यानी स्पष्टतया नहीं है। पहली विशेषता जो प्रमुख आती है, यदि हम ध्यान दें तो आती है कि जोगी मारा गुफाओं की चित्रकारी अजंता गुफा परंपरा की महत्वपूर्ण शुरुआत है। यानी यह इस गुफा की जो कला है वह अजंता की कला से लगभग पूर्व की कला है, और इसके बाद ही इसका सुंदरतम रूप हमें कहाँ दिखाई देता है, अजंता की कला में। यहाँ के चित्र अजंता की आरंभिक गुफाओं के समान सुंदर हैं। इन चित्रों में, जैसा पहले भी मैंने बताया, कि बौनों जैसी आकृतियाँ जो कि सांची और भरहुत से मिलती जुलती हैं, वहाँ की कला से समानता रखती है, और यही कारण है कि विंसेंट स्मिथ जो विद्वान हैं उन्होंने इनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व यानी पहली शताब्दी ईसा पूर्व का से पहले का माना है। दूसरी विशेषता आती है, जोगी मारा की गुफाओं में प्रायः सफ़ेद, खड़िया, हिरौंजी, लाल, काले तथा हरे आदि रंगों का प्रयोग किया गया, और ये जो हरा रंग है ये मायरोबालन नामक एक फल हुआ करता था, उससे बनाया जाता था। कहीं कहीं पर पीले रंग का भी प्रयोग मिलता है, जैसा मैंने पूर्व में बताया, और लाल रंग की रेखाओं से ये चित्र एक दूसरे से पृथक किए गए हैं। यानी वहाँ पर लाल रंग से पैनल बना दिए गए हैं, जिससे कि वे एक चित्र दूसरे चित्र से विभाजित या पृथक होता है। पीले रंग का प्रयोग यहाँ हाशियों में किया गया है, जो बॉर्डर्स होते हैं चित्रों के या जो हाशिए बनाए जाते हैं उनमें, जोगी मारा की गुफाओं में जिस रंग का प्रयोग किया गया है वह कौन सा रंग है, पीला रंग। यानी पीले रंग से जोगी मारा गुफाओं के जो चित्र हैं उनके हाशिए बनाए गए हैं। इन चित्रों में रंग भरने के लिए घास की तुलिका का प्रयोग किया गया। जो घास हुआ करती थी वह किसी लकड़ी पर बांध करके फिर उसे कूट पीट करके कुछ प्रक्रिया के द्वारा उसे तैयार किया जाता था, और फिर उसे तुलिका या जिस प्रकार से आज हम ब्रश का प्रयोग करते हैं उस प्रकार से उन रंगों का भराव किया जाता था इस तुलिका के माध्यम से। अगली विशेषता जो आती है, तीसरी, वह है कि इन चित्रों का जो धरातल है, यानी कि जो जिस धरातल पर ये चित्र बनाए गए वे सपाट नहीं हैं, यानी फ्लैट नहीं है। कहीं कहीं पर खुरदरी दीवार पर
बिना पलास्तर चढ़ाए, यानी बिना, जैसे जिस प्रकार हमने पहले पढ़ा था कि या आगे पढ़ेंगे कि अजंता की गुफाओं में या जो भित्ति चित्र पहले बनाए जाते थे उनमें पहले धरातल तैयार किया जाता था, लेकिन जोगीमारा की जो गुफाएं हैं उनमें या तो सीधा सीधा कहीं पे सफ़ेद रंग पोत दिया गया या कहीं पर बिना पोते भी, यानी बिना धरातल तैयार किए हुए जैसा धरातल मिला उसी धरातल पर चित्रण कर दिया गया। यानी यहाँ पर कहीं कहीं पर खुरदरी दीवार पर बिना कोई पलास्तर चढ़ाए, यानी बिना किसी प्रकार का धरातल तैयार किए ही यहाँ पर चित्र अंकित कर दिए गए। कहीं कहीं पर चूने का बहुत हल्का पलास्तर किया गया है, ऐसा लगता है जैसे सिर्फ चूने से पुताई की गई है, किसी प्रकार की कोई मोटी लेयर नहीं है, बिल्कुल ऐसा पतला सा लगाया गया है जैसे ये लगता है कि पुताई की गई है और फिर उसके ऊपर चित्रण किया गया है। चौथी विशेषता है कि मूल चित्र जो थे, यानी पहले जो चित्र बनाए गए थे, उनके दबे होने से इसका असली सौंदर्य जो था उसकी प्राप्ति हमें नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि जो पहले चित्र बने हुए थे उनके ऊपर दो दो रेखाएं हमें दिखाई देती हैं, तो उनसे ऐसा पता चलता है कि पहले ये चित्र बने हुए थे किंतु उनको उभार देने के लिए, या हो सकता है कि वे नष्ट हो रहे हों इसलिए उन्हें सुधारने के लिए ऊपर से, जिस प्रकार से ओवर राइटिंग होती है उसी प्रकार से इनके ऊपर दोबारा रेखाएं खींचकर दोबारा उनमें रंग भर करके इन्हें ठीक किया गया या दोबारा बनाया गया, जिसकी वजह से इनकी जो मूल चित्र थे वे हमारे सामने नहीं आ पाए और हम जो देख रहे हैं वे बाद के बनाए हुए चित्र हैं। यानी जो इनका असली सौंदर्य है उसका हमें आनंद नहीं मिल पा रहा है। संयोजन में विशेषता है, संयोजन में सम्मुख नियम, यानी फ्रंटैलिटी, सम्मुख नियम का निर्वाह किया गया है। सम्मुख नियम का मतलब जैसा सामने से दिखाई दे रहा है, यानी फ्रंट फेस, इसमें फ्रंट फेस अधिक है। चित्रित विषय, यहाँ पर जो विषय चित्रित हैं वे बड़े ही सुंदर हैं और तत्कालीन समाज, यानी उस समय का जो समाज था वहाँ के मनोविनोद का दिग्दर्शन कराते हैं। यानी मनोविनोद यानी वे लोग किस प्रकार से अपने जीवन को आनंदमय किया करते थे या किस प्रकार से जीवन में आनंद लिया करते थे, उन सभी वृत्तियों का इस कला में, जोगीमारा की गुफाओं में जो चित्र हैं उनके माध्यम से हमें उस समय के समाज के मनोरंजन या आनंद के जो उनके साधन हुआ करते थे, जिस प्रकार से वो प्राप्त किया करते थे, उन सभी चीज़ों का हमें यहाँ पर चित्रण मिलता है। अगली विशेषता है, असली चित्रों से झांकती रेखाएं लय तथा गति से आविर्भूत हैं। यानी जो पहले के जो चित्र बने हुए हैं जिन पर बाद में दोबारा रेखाएं खींचकर प्रयास किया गया उन्हें सुधारने का, तो जो पहले के जो रेखाएं हैं या जो नीचे दबे हुए जो चित्र हैं, यदि हम उन्हें ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि उनकी जो रेखाएं हैं वे, उनमें लय है और साथ ही गति है, किंतु जो बाद में खींची हुई रेखाएं हैं वे सिर्फ उन्हें सुधारने की दृष्टि से खींची गई होंगी, इसलिए उनमें लयात्मकता या गति का प्रभाव नहीं मिलता। यदि हमें ये दोनों प्रभाव चाहिए यहाँ की कला में, तो वे जो पूर्व की खींची हुई रेखाएं हैं उनमें ही दिखाई देता है। अगली विशेषता है, जो कि दूसरे स्तर के वर्तमान चित्र हैं, उनमें सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग से वे बनाए गए हैं। यानी जो बाद के जो चित्र हैं, जो वर्तमान चित्र हैं जो हमें अभी दिखाई देते हैं, उनमें सफ़ेद पृष्ठभूमि पर वे चित्र लाल रंग से बनाए गए हैं। यानी उनका जो रेखांकन है, जो उनका सीमांकन है, वे लाल रंग से यानी गेरू से बनाए गए हैं और उन पर काले रंग की रेखाओं से पुनः अंकन किया गया है। उन पर काले रंग की
सीमा रेखाओं से दोबारा से अंकन किया गया है। ये सभी विशेषताएं जोगीमारा गुफा का परिचय देती हैं, साथ ही ये बताती हैं कि जोगीमारा की जो गुफाएं हैं उनमें जो विशेषताएं हैं वे अजंता की गुफाओं का प्रारंभिक रूप हैं और यहीं से अजंता की गुफाओं की जो कला है वह बाद में प्रारंभ होती है और अजंता की जो आरंभिक गुफाएं हैं उनमें जो हमें कला शैली दिखाई देती है वह यहाँ की कला शैली से काफ़ी समानता रखती है, या ये कहें हम कि जोगीमारा के जो चित्र हैं वे अजंता में जो आरंभिक गुफाएं थी जिनमें शुरुआती चित्रकारी का काम हुआ वे इससे काफ़ी समानता रखती हैं। यहाँ पर आकृतियाँ काफ़ी छोटी बनाई गई हैं जो लगभग बौने जैसी हैं, जिनकी हाइट कम होती है उस प्रकार की यहाँ पर आकृतियाँ हैं। और यहाँ की कला, इनका समय काल पहली शताब्दी से पूर्व का माना गया है, क्योंकि यहाँ की जो कला है उनको देखने से हमें ये पता चलता है कि ये लगभग सांची या भरहुत में जो कला शैली की गई थी वहाँ से काफ़ी समानता रखती है। वहाँ का जो मूर्ति शिल्प है उस मूर्ति शिल्प से यहाँ की चित्रकला की जो आकृतियाँ हैं वे काफ़ी समानता रखती हैं। इसी कारण से विंसेंट स्मिथ नामक विद्वान ने इनका जो समय काल माना है वह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का माना है। साथ ही यहाँ पर जो लेख प्राप्त हुए हैं उनमें से एक लेख तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का भी है, जिसमें से भी ये पता चलता है कि ये शैली भरहुत और सांची की मूर्ति कला से समानता प्राप्त करती है। डॉक्टर ब्लॉक ने इसे यूनानी कला कहा है, डॉक्टर राय कृष्णदास ने इसे जैन धर्म से संबंधित माना है और डॉक्टर असित कुमार हालदार ने रायगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाले देवदासियों के विषय से मिलते जुलते यहाँ के विषय माना है। यानी कि यहाँ के जो विषय हैं उनमें भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं, उनके अलग अलग विचार हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डॉक्टर ब्लॉक भरहुत और सांची के समकक्ष मानते हैं, तो डॉक्टर ब्लॉक इसे यूनानी कहते हैं, राय कृष्णदास जैन धर्म से संबंधित बताते हैं, असित कुमार इसे रायगढ़ के प्राचीन मंदिर के जो देवदासी हैं जो देवताएं हैं वहाँ के विषयों से संबंधित बताते हैं। 1914 में असित कुमार हालदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने इन गुफाओं का अध्ययन किया था और इनका विवरण भी प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कुल 7 चित्रों का वर्णन किया था जिनका मैं पहले पिछले वीडियो में वर्णन कर चुकी हूँ। साथ ही इस गुफा की परिचय भी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। यहाँ पर इस गुफा का नाम लोकल भाषा में, यहाँ के आसपास 2 गुफाएं और हैं, पहली सीता बोंगरा है या सीता लांगड़ा नाम की है, जो कि एक प्रेक्षागार या एक नाट्यशाला हुआ करती थी, और इसी के पास ये गुफा जोगीमारा भी है और इसे पहले एक देवदासी का निवास स्थान माना जाता था, जैसा कि मैंने बताया था पहले पिछले वीडियो में आपको। किंतु यहाँ से जब एक शिलालेख प्राप्त हुआ तो उससे हमें ये इस बात का पता चला कि ये गुफा वरुण देवता का मंदिर थी और जैन धर्म की कला का यहाँ पर प्रभाव पड़ा था, अर्थात ये गुफा मौर्य काल के समकक्ष है, मौर्य काल से संबंधित इसका समय माना जाता है। और ये यदि हम परिचय की बात करें तो ये गुफा मध्य प्रदेश में आज भी हमें प्राप्त होती है, वहाँ से हम इसका दर्शन कर सकते हैं और
ये गुफा जिस स्थान पर आज है वह एक तीर्थ स्थल के रूप में भी विकसित है, और यहाँ पर पहुँचने के लिए बस या रेलगाड़ी जैसे साधनों का अभाव है। यहाँ पर अन्य साधनों के द्वारा ही पहुँचा जा सकता है। रास्ते यहाँ के काफ़ी मतलब साफ सुथरे रास्ते नहीं हैं। आज के वीडियो में बस आज इतना ही। आगे हम एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।